हर बिजनेस चाहेगा कि उसकी वेबसाइट बन जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी गूगल के सर्वर्स पे, और जिसपे आप अपना पर्सनलाइज्ड डोमेन ऐड कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल और स्वागत है आपका इंफोडॉक्स पे। दोस्तों, जैसा आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं गूगल की क्रिएटेड वेबसाइट जो कि गूगल माई बिजनेस के थ्रू क्रिएट होती है, जो कि ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, उसको आप अपने पर्सनलाइज डोमेन से रन कर सकते हैं। जी हाँ, गूगल ऑलरेडी आपको उसका एक URL देता है, बट अगर आप चाहते हो कि आप अपने एक पर्सनलाइज डोमेन नेम को बाय करके उसके थ्रू आप उस वेबसाइट को रन करो, तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। और ये बहुत ही आसान है, आप खुद से इसको कर सकते हैं, वो भी बहुत कम टाइम में। बट आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के काम के वीडियोस और जानकारी आपके लिए लाता रहता हूं, और मैं नहीं चाहता कि उसमें से कोई भी वीडियो आप मिस करें। दोस्तों, आप बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक और अनाउंसमेंट है मेरी तरफ से, हर महीने के पहले संडे को मैं लाइव आऊंगा यूट्यूब पे, और उस लाइव सेशन में जो भी लोग उसको अटेंड करेंगे उनको मिलेगा मेरी तरफ से एक गिफ्ट। जी हाँ, वो गिफ्ट हो सकता है मेरा डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट प्रोग्राम का कोर्स, जो कि 9,999 रुपीज का है। उसको 5,000 से ज्यादा लोग उसको ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और इससे बेनिफिट उठा रहे हैं, या फिर मेरा कोई और पेड कोर्स, जैसे कि मेरे पेड कोर्स उडेमी पे भी है, या फिर कोई गैजेट जिसकी मदद से आप अपने डिजिटल मार्केटिंग जर्नी को और आसान बना सकते हैं, या फिर होस्टिंग जिसपे आप एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, या प्लगइन्स और थीम्स। तो इस तरह की अलग अलग गिफ्ट्स मैं आप लोगों को हर संडे दूंगा। तो आप अगर ये लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अभी ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर इसकी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं टाइमिंग से रिलेटेड, तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, तो आप इन्फोटॉक्स का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और इस गिफ्ट के बारे में मैं अनाउंस करूंगा उसी लाइव सेशन में। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं और जानते हैं किस तरीके से आप गूगल माई बिजनेस की क्रिएटेड वेबसाइट को अपने पर्सनलाइज डोमेन से लिंक कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक अपना गूगल माई बिजनेस का अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आप उसको कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको अभी ऊपर दिख रहा होगा, नहीं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो से स्टेप बाय स्टेप गूगल माई बिजनेस का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जिससे आपको लोकल लिस्टिंग के अंदर बेनिफिट मिलेगा। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं किस तरह से हम अपना डोमेन अपनी गूगल माई बिजनेस से क्रिएटेड वेबसाइट से लिंक कर सकते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले उसके लिए आपको अपने गूगल माई बिजनेस के अकाउंट में लॉगिन करना होगा। जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि अगर आपने अभी तक गूगल माई बिजनेस रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जो कि फ्री है, तो आप अभी उसको कर सकते हैं। इसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में शेयर कर दिया है, अदरवाइज ये बहुत आसान है। आपको और भी काफी सारे वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगे, जिसके जरिए आप इसको जान के रजिस्टर कर सकते हैं, और इतना ही नहीं, आप इसको ऑप्टिमाइज भी जरूर करें। अगर आप ऑप्टिमाइजेशन का पूरा प्रोसेस जानना चाहते हैं तो लोकल SEO की एक मास्टर क्लास मैंने बनाई है, एक कंप्लीट, एक अकेले वीडियो के अंदर मैंने आपको सारा समझाया है, जिसके जरिए आप अपने बिजनेस का लोकल SEO इम्प्रूव कर सकते हैं और काफी लीड्स और सेल्स को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा गूगल माई बिजनेस का अकाउंट है, मैंने लॉगिन किया हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। इसके अंदर यहाँ एक ऑप्शन होता है वेबसाइट। ये वेबसाइट कमाल की वेबसाइट है, क्योंकि ये खुद से बन जाती है। जब भी आप अपने गूगल माई बिजनेस के अकाउंट को ऑप्टिमाइज करते हैं तो सारा कंटेंट इसके अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। बस कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको आपको खुद से करना होता है, जिसके जरिए आप इस वेबसाइट का थीम या डिजाइन डिसाइड कर सकते हैं, जो कि मैंने उस लोकल SEO मास्टर क्लास में स्टेप बाय स्टेप बताया है। हमारी ये वेबसाइट इसमें ऑलरेडी क्रिएटेड है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसमें लाइव दिख रहा है, मतलब ये वेबसाइट आप जाके लाइव भी देख सकते हैं। आप टॉप पे अगर यहाँ पे नजर मारे तो यहाँ पे आपको एक URL दिख रहा है, infotalks.business.site। तो ये URL हमें गूगल प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई भी चार्ज नहीं है, जिसके जरिए आपकी ये वेबसाइट रन करती है। तो आइए पहले तो हम देखते हैं कि इस URL से ये वेबसाइट कैसे रन करती है। तो उसके लिए आप क्लिक कर सकते हैं व्यू साइट पे, या फिर हम चाहें तो इसको कॉपी करके और अपने ब्राउजर में पेस्ट कर सकते हैं और ये साइट ओपन हो जाएगी। अब आप देख पा रहे हैं ध्यान से, तो देखिए इसके अंदर SSL भी है और ये कंप्लीट URL आपका है
जिसके जरिए ये वेबसाइट रन हो रही है। इस वेबसाइट के अंदर यहाँ पे मेन्यू भी है, इसमें यहाँ पे कॉल नाउ, गेट डायरेक्शंस, मेक अपॉइंटमेंट, यहाँ पे भी बटन है। तो ये सारी चीजें हमने इसके अंदर ऐड की हैं और इसके अंदर कंटेंट ऑटोमेटिकली ऐड होता जाता है। जैसे जैसे आप गूगल मैप बिजनेस पे अपनी पोस्ट ऐड करते हैं, ऑफर्स ऐड करते हैं, कोई आके आपके गूगल मैप बिजनेस पे रिव्यू सबमिट करता है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर ऑटोमेटिकली आती जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स हैं, तो ये सारे टेस्टिमोनियल जो है ये ऑर्गेनिक है और ये जो गूगल पे लोग आके रिव्यू सबमिट करते हैं वो है। इसके अलावा और भी चीजें हैं, आपके ऑफिस, आपके बिजनेस से रिलेटेड फोटोग्राफ जिसपे काफी ज्यादा रीच आती है, काफी सारे लोग इसके जरिए आपके गूगल मैप बिजनेस तक पहुंचते हैं। यहाँ से कोई भी चाहे तो मैप से आपकी डायरेक्शन देख सकता है, आपके ओपनिंग आवर्स जान सकता है। तो इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट के जरिए मिलती है। और मेरा मानना ये है कि कोई भी एक बिजनेस जिसको एक्चुअली एक प्रॉपर वेबसाइट बनवाने की जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अंटिल आप उस वेबसाइट पे प्रॉपर ब्लॉग्स डालते रहे, कॉन्स्टेंटली उसको अपडेट करते रहे, प्रमोट करते रहे, तो गूगल माई बिजनेस की ये वेबसाइट एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। इसमें आपको ना तो होस्टिंग की कॉस्ट देनी पड़ेगी, ना इसमें डिजाइनिंग की कॉस्ट देनी पड़ेगी। ओनली अगर आप इसको अपने कस्टमाइज्ड डोमेन पे रन करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ वो डोमेन लेना पड़ेगा और उसकी एनुअल रिन्यूअल कॉस्ट देनी पड़ेगी जो कि आप मान के चलिए कि 800-900 रुपए के आसपास होगी। इनिशियली आपको वो डोमेन कम कॉस्ट में मिल सकता है क्योंकि काफी सारे ऑफर्स चलते रहते हैं। अगर आप ऑफर्स के लिंक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो ऑफर्स के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप चेक कर सकते हैं। अगर उन लिंक से आपको ऑफर्स मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, डेफिनेटली आप उस डोमेन को कम प्राइस में ले पाएंगे। और अगर अगले साल आपको रिन्यूअल कराना है और रिन्यूअल की कॉस्ट आपको जहां से भी आपने वो डोमेन लिया है ज्यादा पड़ रही है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी उसके अंदर हेल्प करेंगे। हमारी कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो रजिस्ट्रार हैं डोमेन की लास्ट 17 ईयर से, तो उनके जरिए हम आपको कॉस्ट इफेक्टिव रिन्यूअल करा के दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल .com की रिन्यूअल प्राइस इस समय चल रही है 950 रुपीस के आसपास। नॉर्मली अगर आप .com डोमेन को कहीं भी रिन्यूअल कराएंगे तो वो 1300-1400-1500 रुपए से कम नहीं पड़ेगा, तो आपको हम सिर्फ कॉस्ट प्राइस के अंदर उसको रिन्यूअल करके देंगे जिससे कि आपके ऊपर ज्यादा कॉस्ट का बर्डन ना आए और आप अपनी वेबसाइट को हमेशा रन करते रहें। तो अब हमें ये जानना है कि ये जो वेबसाइट का लिंक है जो कि हमें गूगल ने दिया है, इसको अगर हम अपने डोमेन के थ्रू रन करना चाहें तो हम उसको कैसे करेंगे। तो पहली चीज तो आपको उसके लिए चाहिए ये लिंक, जो कि लिंक हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। अब आप परचेज करेंगे एक डोमेन। जी हाँ, जैसे ही आप एक डोमेन परचेज करेंगे तो आपको डोमेन का एक कंट्रोल पैनल मिलेगा। उस कंट्रोल पैनल के अंदर आपको ये लिंक सबमिट करना है, बस इतना सा काम करना है। तो जैसे ही हम इस लिंक को जाकर के फॉरवर्डिंग में लगाएंगे अपने डोमेन के कंट्रोल पैनल में, कोई भी उस वेबसाइट को उस डोमेन के थ्रू इजीली रन कर पाएगा, इस यूआरएल से भी रन कर पाएगा और उस यूआरएल के थ्रू भी रन कर पाएगा। तो मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। तो पहला स्टेप तो था कि आपको ये लिंक चाहिए, डोमेन में मान रहा हूं कि आप ऑलरेडी ले चुके हैं, परचेज कर चुके हैं। तो अब मैं चलूंगा अपने डोमेन के कंट्रोल पैनल पे और एक डोमेन के जरिए इसको आपको करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरा एक डोमेन है जिसके कंट्रोल पैनल पे मैं हूँ। जब भी आप डोमेन के कंट्रोल पैनल पे आएंगे तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा डोमेन फॉरवर्डिंग। अगर किसी कंट्रोल पैनल पे आपको ये ऑप्शन नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि गोडैडी के केस में कंट्रोल पैनल कुछ अलग तरह से दिखेगा, नेमचीप के केस में कुछ अलग तरह से दिखेगा, अगर आप बिग रॉक से दे रहे हैं तो उस केस में अलग तरह से दिखेगा। ये मेरा पैनल है रीसेलर क्लब का, तो इसके अंदर इसी तरीके का दिखेगा अगर आप रीसेलर क्लब से डोमेन ले रहे हैं। तो यहाँ पे जब भी आप डोमेन पे क्लिक करके डोमेन की डिटेल्स में जाएंगे तो आपको दिखेगा डोमेन फॉरवर्डिंग का ऑप्शन और यहाँ नीचे दिखेगा मैनेज डोमेन फॉरवर्डिंग। तो आपको सिंपल क्लिक करना है मैनेज डोमेन फॉरवर्डिंग। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हमने मैनेज डोमेन फॉरवर्डिंग पे क्लिक किया, आपको दिख रही है एक और विंडो आ गई यहाँ पे टॉप पे। तो इस विंडो में मैं ऑलरेडी इस डोमेन को फॉरवर्डिंग एड कर चुका हूँ, क्योंकि जब भी आप इस फॉरवर्डिंग को एड करेंगे तो 24-48 घंटे लगेंगे उसको अपडेट होने में। नॉर्मली प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि ये 4-6 घंटे में भी अपडेट हो जाता है, बट ये नॉर्मली कहा जाता है कि 24-48 घंटे लगेंगे इस चीज को अपडेट होने में। तो इसको करने कैसे है उसको मैं आप लोगों को एक बार समझा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ये ऑप्शन ओपन हुआ जिसमें आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये एक डोमेन है जिस डोमेन से मैंने इसको फॉरवर्डिंग किया है, और अगर आप कंपेयर करें तो ये वही लिंक है जो मैंने आपको अभी दिखाया था। ये लिंक मैंने ऐड किया हुआ है अपनी इन्फोटॉक्स की गूगल मैप बिजनेस की साइट का, तो ये लिंक मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, ब्राउजर में सेम लिंक है।
और इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया है। तो हम इसको ऐसा करते हैं कि एक बार डिलीट करके फिर से ऐड करने की कोशिश करते हैं। मैंने इसको डिलीट कर दिया है, अब आप देख पा रहे हैं मेरा कोई भी लिंक इसके ऊपर वर्किंग नहीं है। तो अब मैं उस वेबसाइट का लिंक कॉपी करूंगा और कॉपी करके यहाँ पे आकर के हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पेस्ट करने के बाद आप ये देखेंगे कि आप इसको यहाँ पे इसे HTTPS को हटा दीजिएगा, क्योंकि ये खाली जो URL है वो यहाँ पे चाह रहा है डालना, और यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे HTTPS, क्योंकि गूगल ने जो हमें लिंक दिया है, वेबसाइट का सब डोमेन दिया है, वो हमारा HTTPS है, और यहाँ पे हमारा डोमेन ऑटोमेटिकली दिख रहा है, तो हमें यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करना है और हम इसको कर देंगे सेव। तो आप देख रहे हैं ये कह रहा है डोमेन फॉरवर्डिंग सेटिंग हैज बीन सक्सेसफुली डन, और ये यहाँ पे हो गया है। तो अब आइए चलते हैं, देखते हैं कि ये डोमेन एक्चुअली में रिजॉल्व हो रहा है कि नहीं, जो कि हमने अभी सेट किया है। ये हमारी साइट ओपन है, इस साइट के पैरेलल में मैं एक और विंडो ओपन करूंगा और यहाँ पे हम इस डोमेन को एड्रेस बार में ऐड करेंगे। और आप देख रहे हैं ये सेम साइट, अब इसका डोमेन आपको क्या दिख रहा है, आपको डोमेन जो आपने ऐड किया अपना कस्टमाइज डोमेन, वो डोमेन दिख रहा है, और यहाँ पे इस तरह से ये साइट चल रही है। ये मैं आपको सैंपल के लिए इस डोमेन पे ऐड करके दिखा रहा हूँ, इन्फोटॉक्स का ये डोमेन नहीं है, ये हमारे और कुछ डोमेन्स हमारे पास है, उन्हीं डोमेन्स में से है जिसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इन्फोटॉक्स की वेबसाइट को अगर मैं इस पे ऐड करूंगा तो इन्फोटॉक्स की वेबसाइट चलना बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको एज अ सैंपल दिखा रहा हूँ, अगर हम इसको अब कंपेयर करें तो ये mysticzone.com से ये वेबसाइट चल रही है और सेम साइट यहाँ पे भी आपकी ये चल रही है, तो ये बिल्कुल सेम साइट्स हैं। हम इसको देख चुके हैं कि किस तरीके से इसको हमने ऐड किया है, और ये वेबसाइट बिल्कुल नॉर्मली उसी तरह से वर्क करेगी जैसे गूगल की साइट वर्क करती है, और हमेशा डोमेन का URL आपका अपना ब्रांडेड URL ही नजर आएगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये तरीका, बहुत आसान था ना, तो आप इसको खुद से कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इसके अंदर दिक्कत आती है तो जिस कंपनी से आप अपना डोमेन ले रहे हैं उसकी सपोर्ट से आप ये काम इजीली करवा सकते हैं, दे विल डू इट फॉर यू। आपको सिर्फ वो जो URL मैंने आप लोगों को बताया है आपकी गूगल की साइट का, वो उनसे शेयर करना है और उनको ये कहना है कि इस पे आप डोमेन फॉरवर्डिंग लगा दीजिए। तो डोमेन फॉरवर्डिंग हर डोमेन के साथ मिलती है, तो वो आपकी डोमेन फॉरवर्डिंग सेट कर देंगे, तो आपको खुद से ये भी काम नहीं करना पड़ेगा, और उसके बाद आपकी साइट बहुत आसानी से गूगल की साइट रन करने लगेगी, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, होस्टिंग भी फ्री है, खाली आपको प्राइस देना पड़ रहा है एक डोमेन का। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए, जिससे उनका भी बेनिफिट हो पाए, वो भी गूगल की साइट के ऑप्शन का यूज कर पाए और अपने पर्सनलाइज डोमेन पे उसको रन कर पाए। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि आपको मिलेंगे गिफ्ट्स मेरी तरफ से। फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ मैं लाइव आऊंगा यूट्यूब पे और वहां मैं वो गिफ्ट अनाउंस करूंगा, तो अगर आप अभी सब्सक्राइब कर लेंगे इस चैनल को तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर टाइमिंग में कुछ चेंज होता है, वैसे तो मैं संडे को रात को 9 बजे लाइव आऊंगा, बट हो सकता है कि फर्स्ट संडे की जगह कभी कोई और संडे हो जाए या फिर कोई टाइमिंग में चेंज आ जाए डिपेंडिंग ऑन माय शेड्यूल। अगर मान लीजिए मैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन हूँ या मैं उस समय ऑनलाइन लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, नॉर्मली हम आएंगे संडे को एवरी फर्स्ट संडे ऑफ अ मंथ रात को 9 बजे लाइव, और उस सेशन के अंदर जो भी लोग अटेंड करेंगे उन लोगों को मैं दूंगा एक फ्री गिफ्ट मेरी तरफ से, जिसको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।